हेलो गाइस। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान डिस्कस कर रहे थे, जो कि क्लास 11th में, या फिर यूं कहें कि फिजिक्स पार्ट वन को डिस्कस कर रहे थे, जो कि 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो सात जो मैन राशियां होती हैं, उनके जो मात्रक कौन से मात्रक होते हैं। तो हम लोगों ने सेवन जो यूनिट्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया, और साथ में हम लोग ने डायमेंशंस देखे कि हर एक फॉर्मूले के लिए डायमेंशन कितनी जरूरी है, या फिर यूं कहें कि पूरी फिजिक्स में डायमेंशंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, और उसको बिना डायमेंशंस के या फिर बिना यूनिट के लिख दिया, तो आपका आंसर बिल्कुल डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो आपको डायमेंशन का नॉलेज होना जरूरी है। तो यहां पर इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के लिए आपको बहुत सारी डायमेंशंस याद होनी चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि जब भी कोई टीचर या कोई कहीं भी कोचिंग वगैरह में आपको डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाया जाता है, तो उसके पहले आपको 2-3 पेज आपको पूरी डायमेंशंस लिखवा दी जाती है कि इनको रट के आना। उसके बाद हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस करेंगे या डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि यहां पे मैं आपको कोई भी चीज रटने के लिए या याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, जब तक कि वो बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, आपको रटना ही ना पड़े। तो यहां पे कोशिश करेंगे कि जितनी चीजें बिना रटे हो जाएं। तो यहां पे भी डायमेंशनल एनालिसिस को रटने की, यानी कि डायमेंशंस को रटने की जरूरत नहीं है। अब आप डायमेंशन को नहीं रटेंगे तो इस चैप्टर में ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो वो सारी डायमेंशन आपको अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद आप इस जो चैप्टर है उसको बिना प्रैक्टिस किए भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसी चैप्टर को हम लोग हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक चैप्टर में जब भी हम लोग कोई डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे एक फॉर्मूला बनेगा, और उस फॉर्मूला की हम लोग डायमेंशन भी निकालेंगे, और डायमेंशन के साथ ही वहां पे इस चैप्टर को लिंक करते हुए चलेंगे। तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, यहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और कुछ तरीके बताऊंगा कि कैसे करना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि विमीय विश्लेषण, अब इसका यूज क्या है, आप इससे फॉर्मूला पता कर सकते हैं सही या गलत। ये तो कमाल हो गया, मतलब कि आपको अगर यूनिट पता है तो आप बता सकते हैं कि फॉर्मूला आपने जो लिखा है वो सही है कि गलत। बता सकते हैं लेकिन नॉट एग्जैक्टली, यानी कि पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक आप बिना फॉर्मूले के या बिना पता किए कि इसमें कैसे फॉर्मूले लगेगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है कि ये आपको फॉर्मूला जो दिया है उसकी करेक्टनेस को बताता है। अगर उसकी डायमेंशन सही है तब वो करेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो करेक्ट हो, लेकिन अगर डायमेंशन गलत है तो डेफिनेटली वो कुछ जो फॉर्मूला है वो गलत होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं। पहला कि जब भी कोई फॉर्मूला होता है तो उसमें कुछ बराबर इस तरफ लिखा होता है, कुछ इस तरफ लिखा होता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस कहता है, या फिर विमीय विश्लेषण, इसको हिंदी बोलते हैं विमीय विश्लेषण, कहता है कि जो बराबर के इस तरफ लिखा है उसकी विमा और जो बराबर के इस तरफ लिखा है उसकी विमा एक जैसी होनी चाहिए, तभी वो फॉर्मूला सही होगा। ये पहला रूल है। हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं, अभी मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई इक्वेशन लिखी है या फिर कोई फॉर्मूला लिखा है, उसमें कुछ लिखा है, उसके बाद प्लस या माइनस उसके बीच में आ रहा है, प्लस या माइनस उसके बीच में आ रहा है, तो इसकी विमा और इसकी विमा, यानी कि इसका डायमेंशन या यूनिट, इसकी डायमेंशन या फिर यूनिट, इसकी डायमेंशन या यूनिट सेम होनी चाहिए। जो यहां पे तरीका था वही यहां पे, बस ये दो चीजें याद रखनी है। अगर आपको याद भी नहीं होती है तो भी आपको अपने आप याद हो जाएंगी। अब यहां पे कुछ चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ डायमेंशन याद होनी चाहिए, तो वो सात तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, बाकी सारी ड्राइव हो जाएंगी। तो अगर आपको याद नहीं भी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले के थ्रू हम याद करेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है v इक्वल टू u प्लस at, और हमें एक विमीय विश्लेषण से ये बताना है कि ये जो फॉर्मूला है सही है कि गलत है। सिर्फ हमें विमीय विश्लेषण से बताना है, तो हमें एग्जैक्ट नहीं बताना, बस हमें विमीय विश्लेषण के अकॉर्डिंग बताना कि विमा के रूप में या फिर डायमेंशनल के अकॉर्डिंग या फिर यूनिट के अकॉर्डिंग ये सही है या गलत है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमें उसकी सारी यूनिट पता होनी चाहिए, यानी कि वी की हमें डायमेंशन या यूनिट पता होनी चाहिए, यू की पता होनी चाहिए, ए की पता होनी चाहिए, टी की पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इन सब की मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो कैसे निकालते हैं, तो यहां पर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या फिर यू कहें डिस्टेंस स्पीड एस इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए मैंने बोला था सात आपको याद करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को कैसे नापते हैं, मीटर में, तो मीटर
मीटर और टाइम का क्वेश्चन आपते हैं सेकंड, तो ये वैल्यू हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे मीटर बटे सेकंड। तो चाल की ये, और यहाँ पे हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट या कॉन्सेप्ट है भौतिकी में या फिजिक्स में, जिसको बोलते हैं सदिश और अदिश राशियां। सदिश और अदिश राशियां यानी कि स्केलर एंड वेक्टर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरे फिजिक्स में वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चाल क्या है, यहाँ पे दूरी आ रही है, इसलिए चाल क्या है आपकी सदिश है, और यहाँ पे वी जो है वो वेग है, या फिर यूं कहे वेलोसिटी है। जहां पे दूरी की जगह हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन लिख दें, विस्थापन क्या है सदिश राशि है, तो उसको हम बोलते हैं वेग। अगर इसको डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन लिख दें, विस्थापन अगर जैसे लिख देते हैं तो ये हो जाता है हमारा चाल की जगह वेग। वेग को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, यानी कि वेलोसिटी से। तो ये वेग है, तो इसकी यूनिट क्या होगी मीटर प्रति सेकेंड। तो ये सब इसलिए था ताकि आपको वेग की जो यूनिट जो है वो याद हो जाए। अब एक ही यूनिट हम अपने आप निकाल सकते हैं अगर ये सही होगा तो, लेकिन वैसे मैं आपको यहां पे बता दूं वी जो आपका है वो वेलोसिटी है, यू जो आपका वो भी वेलोसिटी यानी कि वेग है इनिशियल, तो इसकी भी मीटर प्रति सेकेंड, इसकी भी मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि बराबर के इस तरफ, इस पूरे बराबर के इस तरफ जो है बराबर के उस तरफ, और इसकी भी सेम होनी चाहिए। क्यों, मैंने दूसरा रूल क्या बताया था, प्लस लगाया बीच में तो इस तरफ सेम होनी चाहिए, और बराबर लगाया तो इस तरफ सेम होनी चाहिए, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, इसकी भी मीटर प्रति सेकंड आनी चाहिए। तो अगर ये फॉर्मूला सही है, अगर आपको पता है कि ये फॉर्मूला सही है, मैं आप अगर बोल दूं आपसे कि ये फॉर्मूला सही है, तो आप एक ही डायमेंशन निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको एक ही डायमेंशन बता सकता हूं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, यानी कि मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब मैं चेक करना है क्या ये डायमेंशन सही है कि नहीं, तो एटी के हमें डायमेंशन निकाल लिया, तो एटी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एक ही हमें पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब पहले तो इसको फॉर्मूले को समझते हैं, उसके बाद पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। तो ए यानी कि एक्सेलरेशन, या फिर यूं कहें ये हमारा एक्सेलरेशन है, तो यानी कि त्वरण है, हिंदी में इसको त्वरण बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन की जो वो होगी वो क्या होगी, वेग वेलोसिटी बटे टाइम। तो वेलोसिटी की हम अभी हाल निकाल चुके थे मीटर बटे सेकंड, और या फिर इसको इस तरीके से लिखते हैं, वेग को हम लिख दें डिस्टेंस बटे टाइम, और टाइम यहां पे एक और था तो इनटू टाइम, तो इसकी क्या हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड, पहले से थी एक और सेकंड से मल्टीप्लाई हो गया तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सेलरेशन की डायमेंशन हुई। तो कुछ चीजें आप याद करते जाइए, अगर याद हो रही, अदरवाइज आपको लास्ट में सब याद हो जाएगा, डोंट वरी। तो यहां पे इसकी अगर एटी की वैल्यू भी, एटी की डायमेंशन हमारी मीटर प्रति सेकंड आती है, तो ये फॉर्मूला सही है, हमें पता चल जाएगा। तो देखते हैं एटी, तो ए की क्या है मीटर प्रति सेकंड इंटू सेकंड, या फिर सेकंड स्क्वायर, और टी की वैल्यू क्या आएगी, टी टाइम है तो सेकंड, तो एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा और ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी डायमेंशन भी क्या आ गई मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और ये प्लस लगा है तो मीटर प्रति सेकंड। अब इसको ऐसे मत कर दीजिएगा कि मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, टू मीटर प्रति सेकंड। जैसे अगर हम बात करें 5 मीटर प्लस 6 मीटर तो क्या हो जाएगा 11 मीटर हो जाएगा ना। तो मीटर ऐड नहीं होता है, यूनिट कभी ऐड नहीं होती है, ऐड हमेशा वैल्यू होती है। तो ये मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे इस तरफ भी मीटर प्रति सेकंड, इस तरफ भी मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड दोनों तरफ सेम आ रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू विमीय विश्लेषण यानी यूनिट के मुकाबले तो सही है। अब ये सही हो ना हो वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये यूनिट के अकॉर्डिंग सही है, तो इसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और एक्चुअली में ये सही फॉर्मूला है, इसको हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे सेम फॉर्मूले को। तो इस तरीके से आप विमीय विश्लेषण से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे, एक्स इक्वल टू बाय जेड अपॉन डब्ल्यू प्लस लेट्स से डब्ल्यू हो गया तो पी, इस तरह से आपको मिलेगा। अब आपको वहां पे दिया जाएगा एक्स की, एक्स की डायमेंशन दी जाएगी मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड दे दी, वाई की दे दी मीटर, वाई की आपको दे दी मीटर, और आपको यहां पे जेड की दे दी, बाय की दे दी यहाँ पे आपको मीटर। ये दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको इस तरह के जनरली क्वेश्चन आएंगे, और आपको वाई की वैल्यू, वाई की दे दी, और आपको मान लीजिए डब्ल्यू की वैल्यू दे दी, या फिर जेड की दे दी, डब्ल्यू की वैल्यू दे दी मान लीजिए मीटर, ठीक है,
इसकी डायमेंशन मीटर दे दी और इसकी डायमेंशन भी मीटर है, या फिर इसकी मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड ही दे दी, या फिर मीटर स्क्वायर दे दी, कुछ भी दे सकते हैं, ये उनके ऊपर है। तो ये हमें तीन वैल्यू पता है, इसकी डायमेंशन पता है, इसकी पता है और इसकी पता है। अब वो पूछेगी आपसे कि विमीय विश्लेषण के थ्रू बताइए कि जेड की डायमेंशन क्या होगी और पी की डायमेंशन क्या होगी। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर एस। अब इसको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो बराबर के इस तरफ होगा वही बराबर के इस तरफ होगा, तो इसकी टोटल डायमेंशन क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड। ये हमें पहली बार पता हो गया। दूसरी बात हमें ये पता है कि जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी भी होगी, क्योंकि ये प्लस लगा बीच में, तो इसकी और इसकी डायमेंशन सेम होगी, और इसकी डायमेंशन जो होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, तो एक्स की डायमेंशन जो होगी वही पी की डायमेंशन होगी। तो पी की तो हमें बिना कैलकुलेट किए ही पता चलेगी, पी की डायमेंशन या फिर यूनिट क्या होगी या विमा क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड। क्यों, हमें पता है ये कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी होगी, तो मीटर प्रति सेकंड पी की वैल्यू पता चल गई। अब दूसरी बात हमें ये भी पता है कि यहां पे बाय जेड अपॉन डब्ल्यू, इसकी भी जो विमा होगी वो होगी मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसकी मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी भी मीटर प्रति सेकंड और इसकी भी मीटर प्रति सेकंड, तभी तो दोनों ऐड हो पाएंगे। जब विमा सेम होगी तभी, एक बात तो ध्यान रखिए, जब विमा सेम होती तभी वो दो चीज ऐड हो सकती है। ऐसे नहीं आप ऐड कर सकते 10 मीटर प्लस 5 लीटर, इसको ऐड कर सकते हैं क्या, 1 लीटर में 1 मीटर में नहीं ऐड होगा, 10 मीटर प्लस 5 मीटर आप ऐड कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो जो इसकी विमा होगी वही इसकी होगी, और जो फाइनल आंसर आएगा वो भी क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, जो इसकी विमा आएगी बराबर की वही इसकी विमा आएगी। तो पी की विमा तो हमने डायरेक्टली निकाल ली थी, इसकी विमा क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड टोटल आंसर। तो हमें यहाँ पे वाई की विमा पता है, तो वाई की विमा रख देते हैं, डब्ल्यू की विमा पता है, अपने आप जेड की विमा निकल आएगी। तो चलिए मैं पी को यहाँ पे रेज कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट आउट करते जाइए। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो वाई की हमें पता है क्या है, मीटर, डब्ल्यू का हमें पता है मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर दो बार लिख दिया, और जेड हमें निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, अब नीचे मीटर बचा, तो ये जो वैल्यू आ गई मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तो यहां पे आ रहा है हमारा, देखिए जेड अपॉन मीटर बराबर मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। मैं सेम टू सेम लिख रहा है, आप कैची गुणा आपको पता है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हमें इसको गुणा, क्योंकि जेड के हमें वैल्यू निकाली है, तो इसका गुणा तो धन नहीं करेंगे, एम को ऊपर भेज देंगे, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, तो इसकी विमा आ गई मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आंसर मैं यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूँ, आंसर क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप निकलेंगे, जो आपकी P की विमा होगी वो होगी मीटर प्रति सेकंड, और जो आपकी Z की विमा होगी या फिर Z की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड या फिर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगा, इस तरीके से आपको आंसर कैलकुलेट करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दी जाएंगी, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसमें विमीय विश्लेषण देखा, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो जितने आप कर सकते हैं करिए, जो नहीं हो रहे हैं आप नेक्स्ट चैप्टर में, हम लोग जब हर एक चैप्टर में विमीय विश्लेषण का यूज होगा, तो वहां पे हम लोग विमा को भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये वर्क कर रही है, कैसे हमें ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो हर एक चैप्टर में इसको देखते जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो यहाँ पे स्केलर और वेक्टर में वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वेक्टर पे बहुत ज्यादा जो हमें कैलकुलेशन करनी होगी, तो हम वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, वेक्टर यानी कि सदिश राशियां, अदिश और सदिश राशि के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, लैंग्वेज में कोई दिक्कत है, तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज में मैं उन चीजों को इम्प्रूव कर सकूं और आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बिना रटे फिजिक्स जो है इंटरेस्टिंग तरीके से याद हो जाए। तो आपने देखा कि हम लोग विमीय विश्लेषण से यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस से किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या फिर गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।